अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आमना और मेरे साथ हैं आप भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और मैं हूँ फातिमा नासिर। आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं इफ्तार की पार्टी से। और ये है दोपहर 2:30 बजे का टाइम। और जो गैस नहीं आ रही थी, और ये कि किचन बिल्कुल पहले खाली था जो दिखाया। अभी हम सामान ला ला कर रख रहे थे। मैंने कहा गैस नहीं आया, पहले से सारी तैयारी कर लेते हैं, जब गैस आएगा फिर सारी कटिंग वगैरह ना हमने पहले से कर ली थी। और फिर गैस पर इत्तेफाकन 3:30 बजे गैस आती है, तो इस बार 2:30 बजे आ गई थी। 2:30 बजे के बाद गैस आई थी। 3 बजे से पहले गैस आ चुकी थी, और ये हम तैयारी शुरू कर दिए ना किचन में। आपको पता है कटिंग वटिंग कुछ पहले से करके रखा हुआ था हमने, 12 बजे से तैयारी करनी थी। और ये मैं टमाटर लेकर आ रही थी, मैंने कहा चलो वीडियो बना लूँ। और ये हमारा सेकंड ब्लॉग है, तो आप लोग प्लीज़ हमें लाइक करेगा, कमेंट भी करें करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। और हमने चने के लिए प्याज चढ़ा दिया था चूल्हे पे फ्राई करने के लिए। और ये रोल के लिए, वो चाइनीज रोल बनाना था, तो उसके लिए हम चिकन अलग रख रहे थे। अभी तो वॉश कर रहा था। और ये मैं खड़ी होकर मतलब कटिंग वटिंग कर रही हूं। ये वॉश किया अभी। और ये चने चढ़ा दे, सफ़ेद वाले चने। सफ़ेद चने हमारे यहाँ सफ़ेद और काले चने दोनों ही बनते। सफ़ेद चने मेरे बेटे को और मेरे शौहर को बहुत ज़्यादा पसंद है, और हम बाकी सब काले चने खाते हैं। मतलब शौक है दोनों ही खाते हैं, लेकिन हमारी अम्मा काला खाती है, तो हमें भी आदत लग गई। हमें भी आदत हो गई है। और ये देखिए सारी तैयारी शुरू कर रहे थे हम। यखनी में चढ़ाया था थोड़ा सा, और ये स्पीड किया हुआ है मैंने। ये हमें कुकिंग की वीडियो तो नहीं बनानी थी, डेली व्लॉग में तो यही काम है। हाँ यही काम है। तो फिर ये अफ्तारी स्टार्ट की थी, और अफ्तारी हमने ज़्यादा नहीं बनाई थी क्योंकि मतलब डिनर का भी इनवाइट किया था। असल में मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, मलेशिया तो, जा रहे थे तो मैंने कहा तो दावत करनी है पार्टी यहाँ पे। फिर अफ्तार पार्टी हमने मतलब फिर उन्होंने और भी दोस्त वगैरह को सारे मतलब जाए। और ये हम चटनी बना रहे थे, ये देखिए हमें सिल की आदत है, सिल की आदत। चटनी जो है ना, चटनी हो मसाले वगैरह हम सिल में, या वो जो कूटनी वो तो क्या बोलते हैं हम, दस्ता है क्या बोलते हैं उसी में, हाँ उसी में बनाते हैं। मतलब ब्लेंडर जूसर वगैरह हम लोग बहुत यूज़ करते ही, बहुत कम कभी अर्जेंट बात। और ये चाइनीज रोल की हम आपने देख लिया होगा जैसे कि हमने इसे पहले से रेशा कर लिया था। हाँ, पहले से कर लिया था। और अभी ये प्रिपरेशन हो रही है, और मेरी तबीयत है बहुत ख़राब, गले में इतना दर्द है। आप लोग को मौसम बहुत ख़राब बीमार पड़ रहे, सब बीमार पड़ रहे हैं। तो आप लोग जैसे आप लोग को पता हुआ गला इतना ख़राब है सबका, ये खांसी बुखार, तो मुझे तो गला ख़राब हो गया मेरा। और ये हम जब बना रहे थे ना, तो हमें लगा कि लाइट चलेगा, हमें लगा कि इसमें ऑयल कम है, मतलब हमने घी कम ऐड किया। फिर हाँ मैं जाकर फिर हमने कहा बटर पड़ा हुआ है तो वही डाल देते ताकि फिर वो ऑयल और घी कच्चा बन के स्मेल आती है ना, तो फिर ज़्यादा कुक होता भी नहीं है, ज़्यादा कुक होता नहीं है। और मैं इसे दिखा रही थी, देखो सही ज़्यादा थी। अच्छा कुकिंग मतलब जो जब भी चाहे ये करें या मैं करती हूँ ना, तो अगर जब मैं करती हूँ तो फिर जब सामने चाहे खराब हो या ये खड़ी हो रही, बोलेंगे देख सही है, हो गया है इतना ठीक है। हालांकि मुझे आता है फिर भी, हालांकि एक्सपर्ट आप ही है, बार बार मुझसे पूछती है तो मुझे अच्छा सा फील होता है कि हाँ मुझसे पूछिए। हाँ मेरे बिना तो कोई काम ही नहीं होता, मैंने कहा बस रहने दे बस वैसे ही। और जब ये सोई भी होती है कहीं जाए तो मैं फटाफट सब ही कर लेती हूँ, लेकिन जब सामने ना देखो ठीक है, इतना ज़्यादा तो नहीं, कम तो नहीं हो गया, हाँ ठीक है ना, मुझे अजीब सा लग रहा है। और ये मैं बना रही थी दो जगह वीडियो, मैं टिकटॉक पर भी बना रही थी, तो उसमें भी मैंने कंफ्यूज कही थी थोड़ा इसमें डाला थोड़ा उस वक्त डालना, काम कर रहे हैं तो वीडियो बना, मुझे बार बार डालती। पर वैसे वाकई में कहती है जो यूट्यूबर है जो बहुत बनाते हैं, मैं कहती हूँ वाकई मेहनत है यार, बहुत मेहनत है। मुझे ऐसा लगता है 2 घंटे का काम 4 घंटे का टाइम वीडियो बनाना, मैं कहती हूँ बड़ा ही मुश्किल है वाकई में। जहाँ 2 घंटों का काम है वो 4 घंटा लग जाता है, वाकई मेहनत है यार। एंड में तो मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं बना रही भाई। और असल में पता है मेहमान भी आए थे ना, और गेस्ट सब पूरा लेट आए, फिर सब चीज़ एक साथ बनाना, क्योंकि ना दावत की बात ना 2-3 दिन पहले की बात नहीं, अचानक से रात में कहा कि कल इनवाइट कर रहे हैं, बस आप फिर क्या सुबह, असल में हमारे इधर गैस चली जाती है, शहरी के बाद भी गैस चली जाती है, शहरी के बाद गैस चली जाती है, फिर 5 बजे के बाद जो गैस जाती है फिर वही दोपहर में आती है, फिर जो दोपहर में आती है तो फिर इफ्तार के मतलब 9 बजे के टाइम चल जाती है। अब आप बताए बंदा फिर क्या करें ना, शहरी के बाद कर सकते हो। ये आलू चाप बना रहे थे, उसकी प्रिपरेशन की थी, और ये हम तीनों लगे हुए थे, लेट हो रहे थे ना,
फिर खाना भी बनाना था, खाना भी बनाना तो था। फिर तीनों लगे हुए थे और ये इस वजह से ना हमने हम घड़ी नहीं देख रहे थे और मेरे हस्बैंड को क्या बोले कि ना 50 मिनट रह गया, जब 50 मिनट का सुना ना मोबाइल रख के हम जो दौड़े लगाए लगी मेरे हस्बैंड ले मोबाइल लिया था मैंने उन्होंने दिया वो कह रहे बस तुम्हारे पास यही फालतू काम दाल वाले पकौड़े उसमें मैंने कहा लाओ मैं दिल्ली में सारा डाल दूँ फिर मुझे रोल वोल वो करना है चने का दाल से भी सेरी के टाइम सोक करके रख दिया था फिर आप पीस के फिर सारे मसाले मिला दिए अभी आप ही आई हैं वो रोल भी बना रही थी फिर यहाँ पे भी आई हैं डाल दे फिर तुम लोग फ्राई कर लेना फ्राई कर लेंगे 5:30 बजे के टाइम मेरी सिस्टर छानने बैठ गई थी फिर भी एंड तक ही लगी रही बस और ये एक तो फायर टाइम में बहुत ज्यादा भी था, था, था बहुत ज्यादा भी था फिर एक दो जगह में देना भी था और इतनी जल्दी भी बना के रखना अच्छा अच्छा ही लगता फिर वो ठंडा ठंडा सा मज़ा नहीं आता और ये जल्दी जल्दी फिर मैं कहती फिर बताया मैंने कुछ रोल पैक किए फिर मुझे याद है कि बिरयानी भी बनानी है तो फिर ये मेरे हस्बैंड ने ये मेरे बेटे को मेरी नहीं लेना अच्छा ये हमारी अम्मा फ्रूट काट रही थी बैठ कर मैंने कहा अम्मा फ्रूट काट दे ये मेरी सिस्टर वो शरबत की तैयारी कर रही थी और ये इतना बिखरा पड़ा था ये हमने बिरयानी का कोरमा भी चढ़ा दिया था कोरमा भी रेडी कर लिया था तकरीबन तो सारी चीजें रेडी कर लिया था फिर अजान का टाइम हो गया था फिर अफ्तारी की सेटिंग करनी थी ये फ्राई होकर आ रहा है एक चिल्ल में मतलब यहाँ ये डाला और ये रोल में मतलब कुछ वो करी थी फिर बाद में मेरे हस्बैंड ने पैक किया सारा का सारा ये आप भी कर रही थी इतना मतलब ज्यादा वो करते ना आई देखिए इफ्तार लग चुकी थी अच्छा मेरे उनको मोबाइल थी मैंने कहा एक जरा सी फाइनल लेकर सारे बॉयज थे ना और ये देखिए सारे इनकी पक्की पक्की सहेलियां ये जब बैठे हुए थे ना इस तरह आवाजें गूंज रही थी इनकी ये हम लोग जैसे लड़कियां हैं हां आमना जी कह रही है आप ही ये लोग तो पक्की पक्की सहेलियां मैंने कहा आप पक्की पक्की सहेलियां ऐसे मतलब जब एक जगह होते हैं ना सारी दुनिया भूल जाती है और पता है आपको जब मेरे हस्बैंड से फोन पे बात करते हैं सारे फ्रेंड जो कोई करें एक दो घंटा बात करेंगे एक दो घंटा बात करने के बाद क्या बोलेंगे चलो ठीक है अब दोबारा फिर हम मिल के बात करते हैं और ये लड़कियां करती हैं एक दिन के बाद वो आधे घंटे बाद ही एक घंटा बात करने के बाद चलो तुम लोग आ रहे हो अक्सर वो कैफे होटल को ही बोलते हैं वहाँ बैठते हैं हमें जो लगता है हमने वही बोला है वाकई में काफी अंडरस्टैंडिंग है और ये काफी 10-12 साल से शायद नहीं नहीं 10 साल हो गए शायद 10 साल से नहीं नहीं सॉरी 10 साल भी नहीं है 8 साल हो गए क्योंकि मेरे बेटे मेरे बेटे के टाइम तकरीबन ऐसे कोई टाइम है बड़ा वाला बेटा वो तब से इनसे जान पहचान हुई थी मेरे हस्बैंड की तो 8 साल इनकी फैमिली भी आती है हमारे घर में अच्छी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि मतलब हमारी फैमिली एक दूसरे के घर आते जाते सबकी फैमिली बहुत अच्छी बाकी हमारी बकायदा बड़ी अच्छी दोस्ती है बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और ये लगा रहे थे हम बातें करते करते बिरयानी बन गई है अच्छा वो अफ्तारी करने के बाद फिर हमने चावल सोक किया था और देखा इसने बोटियां अंदर रख दी थी मैंने कहा यार बोटियां तो पाए रखी है मैंने कहा कोरमा बन रहा था देख रहे थे ना कि बोटियां हैं एक पीस तो कोरमा चाहिए ना साथ बिल्कुल सफर ही नहीं कर रहा था मेरे एक हस्बैंड की एक ये आदत है बिरयानी अगर हो सैलेड इस तरह का होना चाहिए टमाटर प्याज अच्छा बोला सैलेड बना देंगे।